वेलकम बैक. अब हम बात करेंगे थोड़ा सा बच्चों की परवरिश के अंदाज के बारे में, जैसे कि हम कहेंगे पेरेंटिंग स्टाइल्स. तो आप क्या समझते हैं कि क्या एक कोई स्पेसिफिक बच्चों को बड़ा करने का, परवरिश का कोई एक स्टाइल है या नहीं? हर पेरेंट का अपना स्टाइल होता है, हर बच्चे को डील करने का अच्छा अपना स्टाइल होता है. Well, obviously, I am sure हर पेरेंट का अपना ही एक स्टाइल होगा और हर बच्चा भी सेम नहीं होता. हर बच्चे का भी अपना एक स्टाइल होता है. मेरा बस यही है कि एक्चुअली पता क्या होता है, आई थिंक जब जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे होते हैं ना, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा स्टाइल भी चेंज हो जाता है. अब जैसे जब बच्चे छोटे थे तो उनके खाने पीने के टाइमिंग्स अलग थे, तो वो कभी कभार मुझे उनको सब्जी खिलानी होती थी तो मैं उनको दे देती थी आईपैड और मैं उनके मुंह में सब्जी डाल रही होती थी. लेकिन फिर एक सर्टेन एज पे आके, आई थिंक 4 साल पे या 3.5 साल पे, फिर मैंने एक रूल बनाया कि अब इतने बड़े हो गए कि अब खुद से खाते हैं ना, तो अब हमने सबने एक साथ मील टाइम करना है. हमारे घर में फ़ायदा ये है कि हम रात में भी जल्दी, हमारे यहाँ 8 बजे खाना लग जाता है, तो पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खाना खाती है. इसी तरह दोपहर में 2 बजे का टाइम फिक्स है, 2 बजे खाना लग जाता है. तो वो बच्चों को एक तो आदत पड़ती है. अच्छा, फिर मैंने बच्चों के लिए कभी स्पेशली अलग से खाना नहीं बनाया. जो हम खा रहे हैं वो जो हम खा रहे हैं, ये टेबल पे खाना रखा है, अब यही है और यही खाना है. इसी तरह जैसे कुछ लोग होते हैं वो बहुत स्पाइसलेस बनाते हैं, फिर वो बच्चे एंड तक जो है वो अलग से आलू या धुले हुए खाने खा रहे हैं. बच्चे तंग करते हैं, टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, लेकिन अब वो पेरेंट का काम है कि एक तो पेरेंट अपने आप को काम डाउन रखे, जो कि नहीं हो पाता, मुश्किल काम है लेकिन बहुत ज़रूरी है. तो आप एक काम डाउन रखें. अगर किसी दिन बच्चे को खाना अच्छा लगेगा, किसी दिन बुरा भी लगेगा, भाई अगर बुरा लगेगा भी तो उसको एक बहुत बिग डील ना बनाएं. बस उसको यही बताएं कि हाँ भाई, एक दिन ये बनता है, एक दिन ये बनता है और फिर एक दिन ये भी बनता है. रैशनली चले आपके कहने का मतलब. तो वो किसी दिन, वो मेरा बेटा स्पेशली बहुत फिनिकी है खाने के मामले में, तो वो करता है, शोर मचाता है, लेकिन हम उसको कुछ नहीं कहते. हम चुप करके बस उसकी प्लेट में डाल देते हैं कि बस अब ये तो खाना है. तो आप क्या बताएंगे एज अ साइकोलॉजिस्ट कि क्या कोई प्रॉपर गाइडलाइंस हैं बच्चों की परवरिश में जो आप रिकमेंड करती हैं? जब भी कोई आपके साथ प्रॉब्लम लेके आता है आपके पास, तो आप कहती हैं कि भाई नहीं, हाँ इस चीज़ को आप फॉलो करो तो ये मसले हल हो जाएंगे. सुनीता के जो ये बात थी ना कि बच्चों का टेम्परमेंट अलग अलग होता है, विच इज़ वेरी ट्रू, ऐसा होता है. और बहुत सारी थ्योरीज पेरेंटिंग में तो बेतहाशा, और इस अर्ली ईयर्स में ना बहुत थ्योरीज हैं. तो कहते यही हैं कि आपका जो बच्चे का टेम्परमेंट अगर पेरेंट को समझ आ जाए ना, दैट इज़ द बेस्ट. वो उसके लिए जहरी बात है, आपको थोड़ा सा हौसला रखना पड़ता है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हौसला रखना पड़ता है. अच्छा, इसमें डिफरेंट 4 कैटेगरीज ऑफ पेरेंटिंग कहलाती है. एक होता है अथॉरिटेरियन, जो कि हमारे इस खत्ते में ज़्यादा है कि बस मैंने कह दिया ना, माई वे और द हाईवे. दूसरा है अथॉरिटेटिव, जो सबसे अच्छी पेरेंटिंग, जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए, जिसमें माँ बाप जो है अपने बच्चों से थोड़ी रीजनिंग कर समझाते उन्हें. वही सब्र तामल की बात है कि बैठ के गुस्से, अगर गुस्सा आ रहा है तो थोड़ा अपने आप को काम डाउन करेंगे, फिर वो कोशिश करके उसको समझाएंगे कि हम ये क्यों कह रहे हैं. क्योंकि हम बच्चों की हर रिएक्शन के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है. हम एट टाइम्स वजह नहीं ढूंढ रहे होते, हम बस कहते हैं ये नहीं करो, ये करो, मैं बाप हूँ, मैं माँ हूँ, तुम नहीं हो, तुम बच्चे हो. तो एक होती है परमिसिव, जिसमें उनका ख्याल होता है कि हमने बच्चों को कुछ भी कह दिया तो उसकी सेल्फ एस्टीम खराब हो जाएगी, तो वो छोड़ देते हैं बच्चों को. अच्छा, बच्चों के लिए ना गाइडलाइंस बड़ी ज़रूरी होती है. उनको बहुत क्लियर पता होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि उनका माइंड ना तो फ्यूचर को बहुत लंबा कर सकता है और ना ही उन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि किस चीज़ के क्या असरात होंगे. तो ये तो माँ बाप ने उनको सेफ एंड सिक्योर करना है ना. तो इसलिए इम्पोर्टेंट जो अच्छी पेरेंटिंग है, वो ये नहीं है कि सिर्फ हमें हर वक्त पॉपुलर पेरेंट बनना है, हमें हमारा बच्चा हर वक्त लाइक करे, ये नहीं. उसका ये है इम्पोर्टेंट कि वो क्लियर गाइडलाइंस दे, उस पर एक जमा रहे, ठीक है. तो उसकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी डेवलप कराए, उसकी क्या कहते हैं सोने की रूटीन्स अच्छी डेवलप कराए, क्योंकि इससे उनके मूड का बहुत गहरा ताल्लुक है. जो बच्चे खाते अच्छा नहीं है ना, तो उस पर सोते भी सही नहीं है और फिर वो चिड़चिड़ाते रहते हैं, फिर वो एक मुसलसल एक टसल रहती है. तो ये इस्टेब्लिश करें. फिर शेयरिंग, क्योंकि जो बच्चे शेयर नहीं करते उनके दोस्त नहीं बनते, फिर वो रिजेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से फिर वो फील करते हैं कि हमें सोसाइटी ने रिजेक्ट कर लिया. तो कुछ चीज़ें उनके लिए इंश्योर करें, उनके लिए आसान करें. उसमें जहरी बातें रूल्स, यू नो, उन्हें इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे.
कम रूल बनाइए लेकिन उसको एस्टैब्लिश करें, अच्छी पेरेंटिंग ये है। अच्छा, यूजुअली हमारी सोसाइटी में घरों में ये होता है कि अगर तो माँ जो है वो लीनियंट है तो बाप स्ट्रिक्ट होता है, या बाप लीनियंट होता है तो माँ स्ट्रिक्ट होती है, या कोई एक गुस्सा करता है तो दूसरा आके पीछे से माना कर, मतलब कुछ बोल देता है, इंटरप्ट कर देता है। तो क्या आपने अपने हस्बैंड के साथ एज अ मदर फादर आपका कोई एक है कि नहीं भाई ये है, वी हैव टू बी ऑन सेम पेज, या नहीं हम ये बैलेंस रखते हैं कि ये भी नहीं होता ना कि दोनों ही लीनियंट रहें, दोनों ही सख्त रहें, तो ये भी जरूरी है कि एक बंदा हो, तो आपने क्या अपना? हमने शुरू में एक चीज़ डिसाइड की थी कि फ़र्ज़ करो कि बच्चे ने कोई गलत काम किया है और आपने उसको थोड़ा सा डांटना है, मतलब आप हाइपर ही ना हो जाए, मगर ये कि आप कोई बात समझा रहे हैं उसको, तो कभी भी जैसे अगर मैं समझा रही हूँ तो माय हस्बैंड वुड नेवर से कि मामा गलत कह रही हैं और तुम सही कह रहे हो। वो भले बाद में हम अकेले अलग कमरे में जाके डिस्कशन कर लें, लेकिन उस टाइम पे कि अगर वो एग्री नहीं भी कर रहे मेरी बात से तो वो खामोश रहेंगे, और इसी तरह वाइस वर्सा अगर वो बात करें तो मैं भी उस टाइम पे खामोश रहती हूँ। वो बाद में फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये बात गलत थी या सही थी, और फिर हम दोबारा से बच्चे को समझाएंगे, लेकिन उस टाइम पे माँ बाप को आपस में आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए, खामोश रहें तो ज्यादा बेहतर है, और बाद में उसका हल निकालें, क्योंकि बच्चे को पता होता है कि अच्छा ठीक है माँ से बात नहीं गली तो फिर मैं फादर की तरफ चला जाऊंगा, या वरना ये सबसे गलत चीज है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी करते हैं ना कि अच्छा जाओ जाके बाबा से पूछ लो, अच्छा तुम जाके मामा से पूछ लो, होता है वो, होता है वो, आप मैं हमारे यहाँ भी होता है कि कभी जैसे मगरिब के बाद नहीं हम अलाउ करते कि बच्चे किसी दोस्त के यहाँ पड़ोसियों के यहाँ चले जाएं, तो वो कभी कभार होता है, जैसे मैंने कहा है कि अच्छा मगरिब के बाद जाना है, 5 मिनट के लिए जाना है, लेकिन आई डोंट फील वेरी कंफर्टेबल, बट यू कैन गो एंड आस्क बाबा, इफ बाबा इज ओके विद इट देन यू कैन गो। तो हम कभी कभी एक से नहीं, दोनों सेम पेज। तो लाडला कौन है सबसे, आप हैं या फादर? वैसे तो दोनों से ही बच्चे लाड प्यार करते हैं, लेकिन मेरा एक होता है ना ज्यादा, आई थिंक जनरली लड़के जो हैं वो माओं से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, और लड़कियां जो हैं वो नेचुरली फादर्स से बहुत अटैच होती हैं, तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा सही सीन है। अच्छा, ये सही आपने कहा है कि वाइस वर्सा होता है। तो जैसे आपने कहा था, मैंने जब आपसे गाइडलाइंस पूछी थी तो उसमें हमने दो चीज़ें सबसे ज़्यादा देखी थी, एक था सोना और एक था खाना पीना। तो इसका मैं, मुझे भी एज अ मदर लगता है कि अगर ये दो चीज़ें ऑन टाइम रहें तो इस चीज़ में पाबंदी रहे, डिसिप्लिन रहे। डिसिप्लिन कितना ज़रूरी होता है बच्चों की परवरिश में, आप बताएं ना? डिसिप्लिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिसिप्लिन के बगैर तो आप बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि आपने जैसे परवान चढ़ाने के लिए डिसिप्लिन ज़रूरी है ना, वरना तो एक जंगल का कानून है कि मतलब कुछ भी नहीं, जिसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली चलेगा ना। तो जब आप डिसिप्लिन करेंगे तो आप उसको शेप करेंगे बिहेवियर को। और बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब, जैसे अगर कोई अच्छी की उसको फ़ौरन के फ़ौरन रिकग्नाइज करें, और जैसे उसको री इन्फोर्स कहो या रिवॉर्ड कहो कि उस बिहेवियर को फ़ौरन से आप बताइए कि ये आपने सही किया, और जहाँ पे गलत उसने की गलती की वो भी तंबीह फ़ौरन से हो, क्योंकि बाद में उसे नहीं पता चलता, और उसी की अप्रोप्रिएट हो। यानी अगर आपका मूड ख़राब है तो आप बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, कभी कभार आपने वो जाने दिया तो वो कंसिस्टेंसी नहीं आ रही ना। तो ये यहाँ पे पेरेंट का बड़ा रोल आता है कि वो किस चीज़ को रिकग्नाइज कर रहा है। अच्छा, कुछ बच्चों के साथ आप उनको सिर्फ नेगेटिव अटेंशन देते हैं कि जब वो गलत करता है तो आप उसको कॉल आउट करते हैं, सही है? तो उन्हें लगता है कि माँ बाप की अटेंशन लेने का यही तरीका है कि गलत करो तो हमारे माँ बाप अटेंड करेंगे, जब आप अच्छा कर रहे हैं तो वो अटेंड नहीं कर रहे आपको। तो माँ बाप को जो भी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उस चीज़ को भी रिकग्नाइज करें। हम लोग तो बकायदा पूरा चार्ट बनवाते हैं ना, कैच देम डूइंग गुड। अच्छा, जब वो सही कुछ भी कर रहा है ना, उसको आप कहीं लिखकर उसको या बताइए, ताकि वही चीज उसके अंदर ख्वाहिश जागर हो। व्हाट गेट्स रिकग्नाइज्ड गेट्स रिपीटेड, वही चीज बार बार फिर इंसान करना चाहता है। तो बच्चों को आपको ये इम्पोर्टेंट, वो खुशी होती है ना, जब आपकी तारीफ होती है तो आप खुश होते हैं ना, स्कूल में भी स्टार्स मिल जाता है आपको हैंड पे या फेस पे, वो फिर आप चाहते हैं आप बार बार वो चीज करें। तो सुनीता, जैसे हमने बात की डिसिप्लिन की, रात को जल्दी सोने की, तो आपके लिए एज अ वर्किंग, और वर्किंग भी ऐसे जिसमें आपके टाइमिंग्स आगे पीछे होते हैं, सो बाद में आके शायद बच्चे फिर एक दफ़ा सेट हो जाते हैं, स्टार्टिंग में वाज इट डिफिकल्ट कि आपने अपने बच्चों को रात में जल्दी सुलाना है, बेशक आपको लेट आना हो? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा स्टार्टिंग, लेकिन फ़ायदा ये है कि मैं चूँकि अपने इन लॉज के साथ रहती हूँ तो उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, दादा दादी की। तो अगर कभी हम लेट हो रहे हैं, या क्योंकि माय हस्बैंड इज़ आल्सो इन द सेम फील्ड, तो कभी कभार ऐसा भी दिन आता है जिस दिन हम दोनों एक साथ शूट कर रहे हैं, तो वो
मैनेज करना मुश्किल था, लेकिन हमने शुरू से ना टाइमिंग सेट किए हुए थे कि ये टाइम है सोने का, तो वो ना बच्चों के आई थिंक दिमाग में भी वो बात फिट हो जाती है कि अच्छा ये टाइम हो गया, ये तो अब हमारे सोने का टाइम है, वो ऑटोमेटिकली खुद ही अपना उठते हैं, आईपैड बंद करते हैं, जाके मुंह हाथ धोते हैं, दांत ब्रश करते हैं और जाके लेट जाते हैं, सो जाते हैं। और उनको फिर हम बताते हैं, हाँ जब बच्चा छोटा होता है, जब वो छोटे थे ना, डेढ़ साल के, दो साल के, वो बहुत मुश्किल टाइम था क्योंकि उसमें वो अटैच होते ज़्यादा माँ से या बाप से, कभी कभार बड़ी गिल्टी फीलिंग होती है और कभी कभार मुझे छुपके भी निकलना पड़ता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इनको बता कर जाऊँ, मैं छुप के नहीं निकलूँ, और मैं ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। फिर मैंने आहिस्ता 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 टाइम लगा, लेकिन दे फिर उनके उनको आदत हो गई, उनको पता चल गया कि मामा भी काम करती हैं, बाबा भी काम करते हैं, और हमारा चूंकि एक टाइम तो नहीं है तो इनका टाइम आगे पीछे भी हो जाता है, तो अब वो ना ट्यून हो गए उसमें। लेकिन शुरू में बहुत मुश्किल है, ये चीज मैंने भी अपनी बेटी में डाली, बिकॉज मेरे हस्बैंड की भी वर्क टाइमिंग्स बहुत आगे पीछे हैं, पायलट, तो कभी उनको शाम में जाना होता है, कभी दोपहर में, कभी रात में, कभी सुबह, कभी वो नहीं होते। तो स्टार्टिंग में तो हम ये करते थे कि छुपके निकल जाओ कुछ, फिर मैंने कहा नहीं डालो और हो जाता है, हमें लग रहा होता है कि बहुत मुश्किल होगा, थ्री टाइम्स मैक्सिमम आप करो ट्राई और उसके बाद हो जाता है। तो आपने तो बात की समझाए और रैशनली चलें, बच्चे ट्यून हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत सारी पाबंदियाँ, और खाने पीने में, सोने में, जाने में, देखने में, हर चीज पे, वैसे वो वैसे ही स्ट्रिक्ट होते हैं क्योंकि हम भी तो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स से आ रहे हैं ना। तो आपको क्या लगता है कि बहुत ज्यादा पाबंदियाँ आज के दौर में क्या अच्छा है या नहीं, नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को, थोड़ा सा लीनियंसी भी देनी चाहिए? अगेन सारी चीज़ रिलेशनशिप के ऊपर, आप कैसे डेवलप करते हैं। अगर बच्चे को आपको लगता है कि आपसे गुस्सा करेंगे या आप, तो वो फिर आपसे छुपाएगा बात है ना। तो ये जो बच्चे स्लाइनेस या कहते हैं कि आप झूठ बहुत बोलने लगते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रिक्टनेस या बहुत ज़्यादा पनिशमेंट वाला एटीट्यूड है माँ बाप का, बच्चों में खौफ आ जाता है ना, उन्हें लगता है कि अगर हम सच या पकड़े गए तो फिर तो हमें डांट पड़ेगी। तो ये माँ बाप को खुद डिसाइड करना है कि उन्होंने अपने बच्चों को ऐसा करना है कि उनसे खौफजदा रहें और डर के ही सब कुछ करें, या उन्हें एक रिलेशनशिप बनानी है कि उनसे अगर इंसान है, मिस्टेक तो होगी, गलती तो होगी, मामा को आके बताना है, हम कुछ कहेंगे नहीं, आपने गलती कर ली है तो आप बता दें लोग। और आई थिंक पेरेंट्स की रिफ्लेक्शन बहुत होती है बच्चों पे, तो अगर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, वो बच्चे भी ऑटोमेटिकली जब वो बड़े हो रहे होते हैं ना, वो भी वैसे ही फिर बिहेव करते हैं, वो भी स्ट्रिक्ट बनते हैं, फिर उनके जब बच्चे होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन कैरी ऑन होती चली जाती है। अच्छा, जहाँ हमने स्ट्रिक्टनेस की बात की, वहाँ बहुत सारी माएँ और बाप ऐसे भी होते हैं, पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को मारते हैं, हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। तो आपको क्या लगता है कि इसका कितना ज़्यादा बुरा इफेक्ट होता है? बहुत सारी माएँ, मैं क्योंकि एक ग्रुप रन करती हूँ, बहुत सारी माएँ मुझसे होती हैं, वो आके मुझसे कहती हैं कि हम मारते हैं अपने बच्चों को और फिर हम बैठ के रो रहे होते हैं कि हमने मार दिया, लेकिन हम क्या करें, हम इतना गुस्सा हो जाते हैं, हम कहाँ निकाले अपनी फ्रस्ट्रेशन। तो मैंने उनको एक छोटी सी बात की थी, शायद वो सही भी हो, मैंने कहा आप सिर्फ तभी मारोगे जब आप खुद फ्रस्ट्रेटेड हो गए। एग्जैक्टली, जब तक आप खुद, अगर आप अच्छे मूड में हो, बच्चा जितना तंग करे आप उसको नहीं करोगे। हमारे पास यही प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास 10 काम और होते हैं और वो हमें समझ नहीं आ रहा था, इतने में अगर बच्चा आ जाए तो हम अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल देते हैं। लेकिन बहुत सारी पेरेंट्स माएँ ऐसी होती हैं जो कहती हैं हमें नहीं मारना, हम कैसे करें, हमारा हाथ उठ जाता है। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगी कि ऐसा वो क्या दिमाग में उस वक्त लाएं, कंट्रोल कैसे करें और उसके क्या बुरे साइड इफेक्ट्स होते हैं मार के बच्चों पे? देखो, वही एंगर तो इम्पल्स का अपना बेहतर करना है ना, उन्हें अगर एंगर मैनेज, उनको इशू नज़र आ रहा है तो इसको, इस पर काम करें, क्योंकि आप बच्चे के रोल मॉडल हैं ना। आप अगर आपको लगता है कि मारना पीटना, तो आप बच्चे को भी वही सिखा रहे हैं, बच्चे को भी लगेगा कि जब भी मुझे अपना करना है काम तो मुझे चीखना है, मारना है, धाड़ना है, इसी तरह से मैं करूँगा ना। तो आप माँ को खुद अपना, अच्छा तो किस चीज़ से वो काम डाउन होगी अपने आप को देखे, अगर उसे थोड़ा सा अपने लिए टाइम चाहिए, टाइम बहुत ज़रूरी है उस टाइम में, जब वो गुस्से में है तो कोशिश करके वो अलग किसी और कमरे में चली जाए, किसी तरह से भी अपने आप को काम डाउन करे, थोड़ा सा टाइम अलग कर ले। गुस्से में तो रिएक्शन ही आता है ना, गुस्से में इंसान सोचता नहीं है, तो उसी चीज़ को अपने कंट्रोल करने के लिए अपने आप को डेवलप करना पड़ता है। इसी तरह काम डाउन करे, आपने जनरेशन टू जनरेशन वाली बात हुई, बहुत सारे पेरेंट्स आपस में या घर में वायलेंस हो रहा होता है, तो ये चीज़ भी जनरेशन टू जनरेशन कैरी करती है, इसलिए
प्लीज जो है वो सब बहुत ख्याल रखें। ख्याल इस तरह रखें कि भाई अगर आपकी हस्बैंड वाइफ की आपस में कुछ आर्गुमेंट हो भी रही है तो कम से कम बच्चे के सामने तो ना करें, अलग कमरे में जाके कर लें, जितना मर्जी लड़ना कमरे में जाके लड़े। और दूसरी चीज ये हमारे यहाँ एक ये टैबू बना हुआ है कि आपने काउंसलिंग नहीं करनी, किसी थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना। वो कहते हैं मैं पागल हूँ, मुझे क्या जरूरत है उधर जाने की। नहीं, ये इट्स कहते ना इट्स फूड फॉर योर माइंड, वो आपका माइंड का खाना है। तो आप अच्छा एक चीज मुझे एक और बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ थेरेपिस्ट बहुत महंगे हैं तो जो हमारे गरीब आवाम है वो नहीं अफोर्ड कर सकती। तो इस बारे में गवर्नमेंट को या कुछ ना कुछ इसका भी एक हल निकलना चाहिए कि वो हर कोई अफोर्ड कर पाए यू नो जाना, भले महीने में एक दफा जाएं, लेकिन काउंसलिंग बहुत जरूरी। और जो नहीं जा सकते ना, जैसे आप हमारी बात हुई थी कि आप सिर्फ बात करने से ही कभी कभार अपने दिल की चीजें निकालने से, तो आप किसी से भी बात करें, लेकिन वो भी एक प्रॉब्लम है ना। अब वो सामने वाला अगर नेगेटिव बात कर दे तो वो डबल हो जाएगा। और इसलिए एक्सपर्ट की तो बात ही कुछ और होती है, पर आपकी बात वाले बहुत पॉइंट था। अच्छा, बच्चों की पेरेंटिंग में वेकेशन या उनके साथ माँ बाप का खेलना, अब हर कोई वेकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं बात को मानती हूँ, वेकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन आप बाहर पार्क तो लेके जा सकते हैं ना बच्चे को। अरे एक घंटा नहीं, आधे घंटे के लिए तो जा सकते हैं। और दोनों माँ बाप का खेलना बच्चों के साथ बहुत आपकी खुद की भी वॉक हो जाएगी, है ना, मस्ट है ये तो आपके लिए, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बिल्ड ही क्यों होती है कि आपके पास कोई आउटलेट नहीं है ना। बिल्कुल, आपके पास काम और बोर्ड गेम्स, बहुत सारे घरों में बोर्ड गेम्स खत्म हो गए भाई, वो स्क्रैबल लूडो आजकल तो सीक्वेंस इतनी मशहूर हुई भी है, कैरम बोर्ड क्यों नहीं खेलते अब बच्चों का टाइम इस तरह हो जाएगा भाई। आपका स्क्रीन टाइम आपने कम करना है, फिर पेरेंट्स कहते हैं जी अब कैसे करें, बच्चा तंग कर रहा है। अच्छे पॉइंट्स हैं इनको नोट। अरे भाई आप लूडो क्यों नहीं खेलते बच्चे के साथ? तो आई लव प्लेइंग लूडो, बड़ों का भी खेलना जरूरी है, उन्होंने खेले ना बच्चे, हमारा भी अच्छा टाइम गुजर जाएगा, हम क्या करें एग्जैक्टली, क्योंकि कुछ जगहों पे तो भाई बाहर भी कहां लेके जाएं, पार्क्स नहीं है। और बच्चों के पता माइंड भी शार्प होते हैं, बहुत कैलकुलेशन आ जाती है, आप स्क्रैबल खेलें तो खेलना जो है ना ये बहुत सारी स्किल्स सिखाते हैं, इवन सोशल स्किल्स है ना, जब आप बैठते हैं आप ग्रुप में बैठे हुए तो आपको सबका देखना है, आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज समझ आ रही है, हो जाती है सब कुछ आप सीखते हैं इससे। इसी तरह बच्चे बाहर नहीं जाते और जीतना सीखते हैं कि हार के बाद क्या होता है और जीत के बाद है ना, ये सारी एक्सेप्टेंस के हार गए कोई बात नहीं। अच्छा फिर ये भी बात है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं चलो पसंद है, मैंने देखे ऐसे भी बच्चे उनको बोर्ड गेम्स नहीं पसंद। अच्छा, अरे अच्छा ठीक है नहीं पसंद, आप उसको जबरदस्ती नहीं करवा सकते, आप ये देखें आपके बच्चे को इंटरेस्ट किस चीज में। आप फर्ज करें जैसे मेरा बेटा है उसको प्लेन्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो जरूरी तो नहीं है कि वो आईपैड पे ही देखेगा सिर्फ प्लेन्स। क्या आप उसको लेगो नहीं लेकर दे सकते? क्या आप उसको लकड़ी के भी प्लेन्स आते हैं जो आप बनाते हैं बिल्ड करते हैं, एक या... बहुत जो है वो मशहूर है प्लेन्स के जो डमीज होती हैं वो बहुत शौक होता है बच्चों को कलेक्ट करने का। हम तो वो बहुत खेलते हैं घर में, नेम प्लेस एनिमल थिंग, कितना मजा आता है उसमें और उसमें नॉलेज कितनी बढ़ती है। अच्छा तो अब हम बस बात को खत्म करेंगे थोड़ा सा करते हुए कि बच्चों के दरमियान और माँ बाप के दरमियान एक एतमाद का जो रिश्ता होता है वो आप किस तरह डेवलप कर सकते हैं, किस तरह बना सकते हैं, छोटे से आप दो तीन अगर सुन। अच्छा आपने बच्चे से आप उसकी बात सुनी है, ठीक है, आप उसको उसके लिए अवेलेबल हो, आपको पता हो कि मेरा बच्चा इसकी ये चॉय, और कैसे पता चलेगा जब आप उसका टाइम स्पेंड करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो उसकी एक छोटी छोटी वो इवन वो देख रहा है बैठ के लैप टैब देख रहा है, आप उसके फेशियल एक्सप्रेशंस नोट कर रहे हैं, आपको पता है यहाँ डर रहा है वो। जब आप अवेलेबल होंगे, बच्चे जो होते हैं ना ह्यूमन चाइल्ड, वो बहुत टाइम लेता है अपने ऊपर डिपेंडेंट होने में, वो बहुत अरसे तक रहता है अपने, तो जब उसको अपनी माँ या जो भी इसकी टेक केयर कर रहा है वो अवेलेबल है, उसको वो सिक्योरिटी और सेफ्टी की फीलिंग आती है कि मैं किसी के पास जा सकता हूँ। उसकी जहनी नशोनुमा के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो किसी को ट्रस्ट कर सके कि मैं इधर जा सकता हूँ, मुझे मैं मुश्किल में होगा। दूसरी चीज़ है आपके रूल्स कंसिस्टेंट होने चाहिए कि आपने जो बात कहनी है तो कीप फ्यूअर रूल्स टू मेक इट ईजी, लेकिन कंसिस्टेंट रूल्स, आप हर दफ़ा अपने गुस्से के हिसाब से या अपने उसके हिसाब से ना चले, कभी हाँ कर दिया कभी ना कर दिया, तो उसमें आप कंसिस्टेंसी ले वो ट्रस्ट लेकर आएगा। तीसरी चीज़ है वही बात है कि मोहब्बत का तो कोई वो नहीं है ना,
और जैसे जब बच्चा आके आपको कुछ कह रहा है तो उसकी बात सुने और फिर उस पर उसको बताएं कि हाँ आई ट्रस्ट यू, आपने सही बोला, वरना कुछ लोग होते हैं ना, नहीं बच्चा ऐसे बोल रहा होगा, जो आप बोलते हैं वो आपको करना होता है, वो सबसे मुश्किल काम इसमें ये। आखिरी बात देखिए जो बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि बच्चे जिद बहुत करते हैं, टैंट्रम्स क्यों करते हैं, एक चीज उनकी डिमांड आजकल बच्चों की बहुत ज्यादा हो गई, नहीं मुझे यही चाहिए। इसकी बहुत अच्छी आपने एक सवाल किया। अच्छा, मेरे बच्चों ने कभी भी मेरे जैसे फ्रेंड्स वगैरह वो मुझे ये कहती है तुम्हारे बच्चे जिद नहीं करते, टॉय शॉप जाते हैं, कुछ मांगते नहीं है। जब ये लोग छोटे थे ना, एक दफा शायद बच्चे ने या दो दफा मेरे बेटा या बेटी किसी ने जिद की थी, जिस चीज पे उसने जिद की थी वो मैंने उसको दिला के नहीं दी, सिर्फ दो दफा ये किया था, तीसरी दफा उसको समझ में आ गई ये नहीं करना। अगेन वही बात कि पहले से फर्स्ट डे से कि आपने एस्टैब्लिश कर दिया कि इस तरह से तो मैं नहीं। अब उनको पता है हमारे घर में उनके लिए गिफ्ट्स नहीं आते। अच्छा, कब आते हैं? उनकी बर्थडे पे, ईद पे या क्रिसमस, कोई त्योहार अगर है तो गिफ्ट आएगा, फजूल में गिफ्ट नहीं आएगा। हाँ, अगर कुछ अच्छा किया है, एग्जाम अच्छा हो गया तो गिफ्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। चलिए, आपके तो मेरे ख्याल से बहुत आइडियल बच्चे हैं, हम उनकी बात करते हैं जो बिगड़ चुके हैं। अगर कोई आपके पास एज़ अ साइकोलॉजिस्ट पूछे आपसे आके कि भाई मेरा बच्चा कर रहा है, मैं क्या करूँ, उसमें ये हैबिट आ गई है, वो हर जगह जाता है और जाके जिद करता है, तो उसको मैं किस तरह मना कर सकती हूँ? वरना पब्लिक में जो है फिर एम्बैरेसमेंट होती है पेरेंट्स को कि बच्चे रो रहे हैं, जमीन पे लेटे हुए हैं, फिर ले जाना है सेंटर में, अक्सर बच्चे नीचे लेटे हुए होते हैं, चीख रहे होते हैं, और फिर बाहर माएं जो है वो फिर वो भी होती है कि मैं सबके सामने डांटूं, या वो भी सही नहीं है कि सबके सामने आप डांटें, वो तो क्या किस तरह हैंडल किया जा सके? वही बिल्कुल सही कि एक दफा ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि तुम्हारे इस बिहेवियर से मैं आपको नहीं दूंगी। जब भी पावर स्ट्रगल होगी ना, तो पेरेंट को ही सक्सेसफुल अपने आप को करना होगा, क्योंकि वो ये इस्टेब्लिश करेगा या वो ये बात बावर कराएगा कि मैं तुम्हारी इस तरह से बात नहीं सुनूंगी। सही है, तो उस टाइम पे तो समेट लेना चाहिए अपने बच्चे को यूं करके, और काम डाउन करें और उसे हल्की आवाज़ में बात करें। काम डाउन करते हैं जब अपनी आवाज़ ड्रॉप अप करते हैं और आराम से उससे करते हैं, उस वक्त बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू सुन ही नहीं रहा होता। ठीक है, तो आप उस सिचुएशन से उसको निकाल लाइए। उसको अगर छोटा है तो अपनी गोद में भर के बाहर आप ले जाइए, ताकि तमाशा सबके आगे ना हो। और अगर रो भी रहा है तो एटलीस्ट उसको 5 मिनट दें, रोने दें उसको, काम डाउन होने दें, आगे तमाशा ना क्रिएट हो रहा हो, तो आप उसको वहां से अलग ले जाएं, और उसको जो भी आप उसको हक कर लें, नहीं आप वो आपको किक कर रहा है कर रहा है, तो आप उसको जाने छोड़ दें। लेकिन आप अगर उसकी बात सुन लेंगे ना, तो आपने बेसिकली ये कर लिया कि तुम्हें यू नो यू हैव टू कीप ऑन डूइंग दैट। तुम जितनी दफा रोगे तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा या मान लूंगी, है ना? आप बेसिकली मैसेज ये दे रहे हैं ना, तो आपको मैसेज डिफरेंट देना है कि मैं तुम्हारी इस तरह से बात नहीं मानूंगी। अच्छा, और थोड़ा सा प्रिपेयर भी कर लें, जैसे आप लेकर जा रहे हैं तो आप बता दें कि देखो तुम्हें एक मैं चॉइस दूंगी, तो या तुम्हारे पास दो चॉइस है चीज़ लेने की, इससे ज़्यादा मैं नहीं दिलाऊंगी, ये तुम्हारा बजट है, इससे ज़्यादा मैं ऊपर नहीं दूंगी आपको। आप थोड़ा मेंटली उसको तैयार करके जाइए। आई थिंक कंसिस्टेंसी इज द की। थैंक यू सो मच सुनीता, थैंक यू सो मच मिस तानिया, आप आई, हमने बहुत सीखा, मैंने तो बहुत ज़्यादा सीखा। ये शील की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है पर आपके लिए, और ये आप थैंक यू सो मच। उम्मीद है नाज़रीन आपने आज का शो बहुत इंजॉय किया होगा और ढेर सारी टिप्स ली होंगी। जाते जाते एक और गुड न्यूज़, शील लाया अब फ्री पीडियाट्रिक टेलीक्लिनिक, यानी सुबह 9 से शाम 5 तक। पीर से हफ्ता आप कॉल कर सकते हैं 03111222437 पर और अपने बच्चे की सेहत के मुतालिक फ्री मशवरा हासिल कर सकते हैं। सी यू इन अनदर एपिसोड ऑफ शील ममता की जबान। जब बात हो बच्चे की फीडिंग की, तो मैं रिकमेंड करती हूँ जदीद टेक्नोलॉजी से बनी शील BPA फ्री फीडिंग रेंज, जिसका PP मटेरियल आपके बच्चे के लिए मुकम्मल तौर पर महफूज है और सेहत के बैन अलावा मेयार पर पूरा उतरता है। शील BPA फ्री फीडिंग रेंज, हर माँ का एतमाद।